ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा माता जी सभी दंडवत को, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं भक्ति योग। भक्ति योग का ये जो है वो आखिरी अध्याय है। मुकुटमणि कहा गया है, जैसे कि मुकुट होता है सर पे विद्यमान होता है, सबसे ज्यादा सस्ता है भक्ति योग, मुकुट की तरह से है। पहन लीजिए, दिखाई पड़ने लगते हैं, अलग से नजर आने लगते हैं। वैसे ही भक्ति है, नजर आती है कि जो भी भक्ति में होता है तेजोमय हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। उसके अंदर मणि होती है, मणि कितनी चमकती रहती है। वैसे भक्ति योग जो है मुकुट की तरह से है, उसकी मणि जो है वो ये 12वां अध्याय भक्ति योग है। तो बड़ा सुंदर अध्याय इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके, एक तरह से हम 2/3 आज कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसे में छोटे छोटे बहुत से प्रश्न रहते हैं। तो पहला प्रश्न तो मैं अब आपसे करूंगी, थोड़े थोड़े प्रश्न लूंगी। और कि पहली बात तो यह है कि भगवान जो है यहाँ पे आ गए हैं, कई योग को बता चुके हैं, तो कौन कौन से योग हैं? कुछ योग के नाम बताएंगे? कुछ योग आपने पढ़े हैं, कई तरह के योग, कुछ योगों के नाम बता सकते हैं आप? हरे कृष्णा। माता जी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हाँ, कर्म योग, भक्ति योग, योग, ज्ञान योग। अष्टांग योग। ललिता माता जी, आपने हैंड रेज किया है बताने के लिए? जी माता जी, की अष्टांग योग भी मैं बता रही थी। हाँ बताइए। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग तो आएगा। सुधीर प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? माता जी, सांख्य योग भी बताया आपने। हाँ, सांख्य योग भी बताया, बिल्कुल सही। और माता जी, बुद्धि योग के बारे में सर्वप्रथम, भी बताया, बुद्धि योग का भी शब्द यूज हुआ है। हाँ हाँ, बुद्धि योग को ही भक्ति योग भी कहते हैं प्रभु जी। हाँ
बुद्धि योग और भक्ति योग। नेहा शाह माता जी वेलकम, हरे कृष्णा। तो समय जाते होंगे सपने उधर ही। कई तरह के योग बताए गए हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा योग है? हरे कृष्णा, भक्ति सुदीप योग, प्रभु जी बताइए, भक्ति सबसे ऊपर कौन सा योग है? भक्ति योग योग को ही प्राथमिकता दी गई है। योग को प्राथमिकता दी गई है, सबसे ऊपर जो है वो भक्ति योग कहा गया है। तो टॉप मोस्ट योगा है भक्ति योगा। कई योगा पढ़ लिए हमने, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो इस टॉप मोस्ट जो है वो आपका भक्ति योग है। सबसे ज्यादा पूर्ण योग इसको कहा जाता है, पूर्णता को प्रदान करता है। क्यों ऐसा, क्यों भक्ति योग को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, क्या कारण? माता जी ये सभी मतलब गृहस्थ, वैरागी, सन्यासी सभी के लिए एक तरीके से उपयुक्त है। जैसे सन्यास वालों के लिए जो है ज्ञान योग, वो एक गृहस्थ वालों के लिए एक टफ है, मतलब बहुत कठिन है उसमें साधना करना उस अपने। लेकिन भक्ति योग का जिस तरीके से वर्णन किया गया, उस हिसाब से भक्ति योग हर इस मतलब कलयुग में हर किसी के लिए सुलभ है, जिससे वो आराम ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, कृष्ण को पा सकता है। सही। और माता जी, कोई और योगों में पतन होना संभव है, हमारा पतन हो सकता है अगर हम अष्टांग योग को पूरा नहीं कर पाए। तो इस भक्ति योग जो है वो सरल विधि बताई है, और भगवत भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सुलभ साधन यही बताया भक्ति योग। जी माता जी, पतन बहुत तो सही। कई योगों में हो सकता है आपकी जो है, लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा पतन का जो है वो रास्ता कहाँ जाता है? पतन तो पतन है, चाहे ज्यादा या कम, क्या पतन तो पतन होता है। ब्रह्म की प्राप्ति जो हम कहते हैं, सायुज मुक्ति, उसमें भी हमारा पतन होता है। लेकिन जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, गोलोक धाम पहुंच जाते हैं, तो हमारा पतन नहीं होता है। जैसे कि एक फ्लाइट में हम जा रहे हैं, तो हम हवाई जहाज में हमेशा बैठे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो हमें उतरना होता है। तो सायुज मुक्ति ऐसी मुक्ति होती है जो ब्रह्म के द्वारा प्राप्त होती है। वो क्या है कि हमेशा फ्लाइट में रहते हैं, हमेशा हमारी यात्रा ही रहती है। तो हम हमेशा एक नहीं जा सकते यात्रा में, तो हमें ब्रह्मानंद बन जाना या परमानंद बन जाना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सच्चिदानंद चाहिए। सच्चिदानंद बनना चाहते हैं हम, हमारा गंतव्य वही होता है, हमारी यात्रा वही समाप्त होती है। तो भगवान के राज्य में, भगवान के धाम में, गोलोक धाम, ब्रह्म ज्योति क्या है, हिलता जुलता प्लेटफॉर्म है, गिरने का डर है, और वहां तक जाने का रास्ता भी कठिन कहा जाता है। क्लेशो दिक्तर क्लेशाम, और भक्ति क्या है, सुसुखम कर तुम अव्ययम। तो अर्जुन ने पूछा था कि कौन सी विधि पूर्ण है, तो भगवान ने बताया था कि हाँ, भक्ति योग करो। भक्ति योग जो है वो सबसे अच्छा योग जो है माना जाता है, सरल है, सुसुखम है, आराम से किया जा सकता है। तो हम इसी पे पढ़ते हैं भक्ति योग को, भक्ति मुकुट मणि। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित् माह। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्धि सिद्ध माना जाए? अर्जुन, हरे कृष्ण। तो हरे, अरे क्या आप कह रहे हैं कि वो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं? अब इतने जो है 11 अध्याय हो चुके हैं, क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन ये प्रश्न लेके क्यों आ रहे हैं? हरे कृष्णा, अर्जुन इस प्रश्न को लेके क्यों आए? ऐसा क्या हो गया इस समय कि अर्जुन इस तरह का प्रश्न लेके आ रहे हैं? कोई बताएगा? हम लोगों के लिए प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, बद्ध जीवों के लिए, कि साकार रूप में आपको माने वो ज्यादा अच्छा है या निराकार रूप में, है ना। तो हम बद्ध जीवों के कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं।
ठीक है प्रभु जी, और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ इसमें? माता जी, क्योंकि अर्जुन को, अर्जुन ये पूछ रहा है कि सगुणवादी कि परमेश्वर की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करनी चाहिए, निर्विशेषवादी जो कहलाते हैं उस तरह से पूजा करनी चाहिए, या फिर साकार रूप में, वो कंफ्यूज है इसलिए वो पूछ रहा है भगवान से। हाँ, तो भक्ति क्या होता है? भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवत धाम जाना है। भगवत गीता पूरी जो है वो कहते हैं भक्ति के बारे में बताती है, आदि अंते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते, सब जगह भगवान का ही गायन, चाहे कर्म मिश्रित भक्ति हो, चाहे ज्ञान मिश्रित भक्ति हो, चाहे भक्ति योग है, सब में भक्ति की जो है वो महानता बताई गई। तो अध्याय 11 में जो है भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, कल्पना से परे, आश्चर्यचकित करने वाला, रोमांचित करने वाला, और बहुत सुंदर अर्जुन की प्रार्थनाएं थी, भगवान का ऐश्वर्य था, चतुर्भुज रूप था, सौम्य सुंदर श्याम सुंदर रूप का दर्शन किया। और अब ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन तो आसक्त हैं भगवान के श्याम सुंदर रूप से, वो उसी रूप को चाहते हैं, लेकिन भगवान का जब विश्व रूप देखते हैं एकदम से जो है वो ऐश्वर्य वाला रूप है, और बहुत से लोग ऐश्वर्य वाले रूप को सराहते हैं। जो नए नए लोग होते हैं उनको ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है ना कि हाँ ऐश्वर्य ये है, तो लोग उसमें सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो अर्जुन अब सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं इसे, मैं गलत तो भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो श्याम सुंदर रूप को भक्ति कर रहा हूँ, और यहाँ भगवान की ये शक्ति इतनी बड़ी है, तो शक्ति शक्तिमान के साथ है, वो गुणों से आकर्षित है, शक्ति से आकर्षित नहीं है। जैसे यशोदा माता है, नंद बाबा है, क्या है, बालक रूप में देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं उनके ऐश्वर्य को देखना, राधा रानी द्वारका के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहती हैं। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि ये जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भक्ति मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग भगवान की उस रूप में पूजा करते हैं, अव्यक्त रूप में पूजा करते हैं। तो निराकार ब्रह्म की पूजा करूं या साकार ब्रह्म की पूजा करूं, भक्ति पूर्वक सेवा करूं, कौन सी श्रेष्ठ है? तो हमारी बुद्धि भी इतनी योग्य नहीं है, हम भी निर्णय नहीं कर सकते। जो भी कार्य हम करते हैं हमको सही लगता है, अगर हमको गलत लग जाए तो हम करें ही क्यों, हम तो सही कार्य करना चाहते हैं। तो कैसे पता चलेगा क्या श्रेष्ठ है, ये हमें कौन बताएगा? भगवान बताए। क्यों? क्योंकि पूर्ण वही है, भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा गया है पूर्ण मदः पूर्ण मिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे अंदर तो चार दोष होते हैं, हम तो सही सही नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान जान सकते हैं, भगवान जो है वो समझ सकते हैं कि किस रूप को पूजा जाए, बता सकते हैं हमको। तो अर्जुन जानना चाह रहे हैं, विश्व रूप देखने के बाद सोच रहे हैं कि मैं तो इस रूप को नहीं चाहता, मुझे तो ये भयभीत हूँ, मैं इससे इस रूप की पूजा करूं, मैं किस रूप की पूजा करूं, भगवान बताइए। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच, मैया वैश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान तुरंत उत्तर दे रहे हैं, साकार रूप को करो, निराकार रूप की जो है वो पूजा नहीं करो, साकार रूप की पूजा करो। अर्जुन के कुछ संशय बाकी हैं, भगवान निराकार है कि साकार है? तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया है ये, क्योंकि जो पहले का समय था जब सतयुग था, तो जो असुर थे, असुर थे अलग अलग लोकों में रहते थे, जब त्रेता युग आया तो एक ही लोक में सुर असुर हो गए, फिर द्वापर आया एक ही गांव में सुर और असुर हो गए, कलयुग आया एक ही शरीर में सुर और असुर हो गए। तो कई तरह के लोग होते हैं, कोई कहता है इनकी पूजा करो, कोई कहता है उनकी पूजा करो, कोई कहता है उनकी पूजा करो, तो सही गलत की पहचान कैसे हो? तो सही गलत कौन बनाएगा? भगवान बताएंगे। भगवान बता रहे हैं कि साकार रूप की पूजा करो, ये मैया वेश्य मनो ये माँ, मेरे में जो है वो आवेशित करो, मेरे में अपने को आपको स्थिर करो और नित्य उपासना करो मेरी। एक आदि नहीं कि हाँ आज कर लिया कल छोड़ दिया, नहीं, नित्य युक्ता उपासते, मेरे को नित्य उपासना करो, सदैव परियोपेतास्ते मे युक्त तमा मता, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करो।
यहाँ पूजा जो है शब्द प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस, वर्शिप। पूजा इंग्लिश में हो जाती वर्शिप, लेकिन प्रभुपाद हमेशा कहते हैं डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? सर्विस है, सेवा है, भक्तिमय सेवा है। केवल जो है वो पूजा नहीं है कि हाँ हमने जो है ये कर दिया कि नहीं, सेवा करनी है। सेवा कैसे करते हैं? पूरी तरह से जो है मन सा वाचा कर्मणा सबसे सेवा होती है, इंद्रियों से सेवा होती है, मन से होती है, बुद्धि से होती है। तो भगवान का साक्षात्कार करना है, चरम आत्म साक्षात्कार। परम सत्य जो है वो कितने तरह का होता है? परम सत्य को हम कैसे जान सकते हैं, किन किन रूपों में जा सकते हैं? हरे कृष्णा, परम सत्य को किन किन रूपों में जाना जा सकता है? सेवा तो माता हर जी, जी ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। हाँ, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीन तरह से जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, भागवतम के जो है कहा गया है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो ब्रह्म की सेवा नहीं कर सकते हम, निराकार रूप है, तेजोमय है, तेज है केवल। परमात्मा, परमात्मा जो की भी सेवा हम नहीं कर सकते, किसकी सेवा कर सकते हैं? केवल भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा श्रद्धा पूर्वक, ऐसी वैसी सेवा नहीं, श्रद्धा से करनी है, तब क्या होगा? परम सिद्ध प्राप्त हो पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हें विराट स्वरूप की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें और किसी स्वरूप की पूजा नहीं करनी है, किसकी पूजा करनी है? केवल जो है वो भगवान की पूजा करनी है। तो अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के ऐश्वर्य देख के हमें समझ में आता कि भगवान का यह रूप तो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन नहीं, भक्ति के द्वारा जो रूप दिखता है, श्याम सुंदर रूप, साकार रूप, उस रूप को अपनाना चाहिए, उस रूप को जो है उस रूप से जुड़ना चाहिए। उससे हम भक्ति में सेवा के द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, निराकार रूप में निर्विशेष ब्रह्म की सेवा की ही नहीं जा सकती, उनका ध्यान किया जा सकता है। तो दो तरह की विधियां हमको पता है। एक तो जो है आसान विधि है, जिसमें हम द्विभुजी रूप को चाहते हैं, तो और दूसरी जो है वो कठिन विधि है, जिसको हम ब्रह्म का तेज प्रकाश कहते हैं। तो हमें भगवान के साकार रूप की पूजा करनी है। भगवान ने दिखाया अपना विश्व रूप, तो विश्व रूप दिखाया भगवान ने, तो विश्व रूप और विराट रूप क्या अंतर है दोनों में? हरे कृष्ण, भगवान के विश्व रूप में और विराट रूप में क्या डिफरेंस है? विराट रूप जो, माता जी, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था उन्होंने, और विश्व रूप उस समय जब दुर्योधन ने उनको पकड़ना चाहा था द्रुत की लड़ाई युग में, उस समय जो रूप दिखाया था उसमें वो रूप था, विश्व रूप था। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी, विश्व रूप में, विराट रूप में सबसे ज्यादा, जैसे कल आपने बताया था भयानक और सब कुछ दिखाया था, विराट सबसे बड़ा रूप जो है, और विश्व रूप जैसे माता को भी दिखाया था और दुर्योधन को भी दिखाया, उसको शायद विश्व रूप बोलते हैं। विश्व रूप यशोदा माता को भी दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था और अर्जुन को भी दिखाया है, लेकिन वो क्या था कि विश्व रूप का बहुत छोटा सा पार्ट जो है दिखाया था यशोदा माता को, दुर्योधन को। पूरी तरह से जो विश्व रूप है वो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। विराट रूप भगवान ने वामना अवतार में दिखाया था। वामना अवतार आपको पता होगा कृष्ण? हर राजा बलि से जो जी माता जी, राजा बलि को जो दिखाया था विराट रूप, तो विराट रूप और विश्व रूप में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? क्या विशेषताएं हैं विराट इसकी, विश्व रूप की क्या विशेषताएं, बताएगा कोई? कल हमने पूरा पाठ विश्व रूप का पढ़ा, क्या विशेषताएं हैं? हरे कृष्णा माता जी, विश्व रूप हरे में उनका अपना भविष्य दिख रहा है। विश्व रूप में भविष्य भविष्य दिखता है जी माता जी। और हरे हरे कृष्ण, कृष्ण जी माता जी। विश्व रूप में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, वैभव, सब कुछ दिखाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई कुछ ऐड करेगा?
जो लोग लेवल 3 कर रहे हैं, लेवल 4 कर रहे हैं, वो लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हैं तो। यार विश्व रूप इसलिए दिखाया था ताकि अर्जुन की सभी शंकाओं का समाधान हो सके और अज्ञानता के अंधकार को दूर करके वो युद्ध के कारण में प्रवृत्त हो सके ताकि उसकी शंकाएं दूर हो सके। विशेषताएं क्या है माता जी, क्या क्या विशेष था विराट स्वरूप? माता जी निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन विराट रूप में शायद उनके रुद्र रूप के जो भाग थे वो भी शामिल थे विराट उसमें। मतलब जो कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे मृत्यु का वो जो आवागमन का रूप था वो भी उसमें दिखाया गया था। ठीक है, मैं जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं और मतलब कि बहुत थोड़ा सारा मैं क्लियर प्रकाश कर था, देती हूँ। बहुत काली सारा रूप प्रकाश दिखाया था ना विराट रूप उन्होंने, में। हाँ प्रकाश अपना था। उन्होंने दिखाया ना कि विश्व वो विराट रूप में काल रूप भी बाद में दिखाया कि उनके मुंह में सब समाहित हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और स्पेसिफाई कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, कल जान रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो रूप होता है वो निराकार लोग सराहते हैं इसको, भक्त लोग इसकी पूजा नहीं करते। निराकार वाले लोग जो है, कुछ लोग, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 3 तरह से लोग होते हैं, एकत्वेन, पृथक्वेन और विश्व रूप की पूजा करने वाले, जो हम लोगों ने 9वें अध्याय पढ़ा था। तो वो जो है वो निराकार वाले लोग सराहते हैं, भक्त लोग नहीं सराहते हैं। दूसरी बात, ये अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है ये। और तीसरी बात, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। चौथी बात है कि असीमित होता है, इसका जो है सीमा ही नहीं होती है। और जो है अगली बात ये कहती है कि भगवान की शक्ति है ये, ऐश्वर्य है ये, भगवान को जो है वो जो ऐश्वर्य की पूजा करना चाहते हैं वो लोग इस रूप की पूजा करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं उसकी हैं, बाकी विशेषताएं तो कल आप लोगों ने जानी पढ़ी ही है, तो उनको मैं नहीं दोहरा रही। हरे कृष्ण। ये त्वक्षर निर्देशम अव्यक्तम परियुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यंच कूटस्थम अचलं ध्रुवम संनियम येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। हरे तो जो लोग भगवान की पूजा करेंगे, सच्चिदानंद रूप की पूजा करेंगे, वो भक्त होंगे, परम सिद्ध होंगे। और दूसरी तरफ जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित होते हैं, अप्रत्यक्ष विधि से अव्यक्त रूप की वो लोग पूजा करते हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा ही है, पर क्या है, निराकार रूप होने के कारण रस का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास, आनंद के लिए अभ्यास करती रहती है। तो जब वो उन्हें आनंद नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, समाज कल्याण करने लगते हैं, जहाँ पे लोग फेसबुक पे फोटो खिंचवा के डाल देते हैं, इंस्टा जो है सोशल मीडिया पे अपनी प्रशंसा खोजते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, कहीं प्याऊ लगवाते हैं, कहीं कंबल बांटते हैं। अगर उसमें भी क्या होता है कि पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन अगर अहंकार आ जाए, भोक्तापन आ जाए कि हमको यश मिले, प्रशंसा मिले, तो क्या होगा, पतन हो जाएगा। तो कुछ लोग जो विचलित नहीं होते हैं, जो अपने भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, वो तो भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति से इधर उधर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं, इंद्रियों से अनुभव नहीं होता है क्योंकि वो अनुभव करना ही नहीं चाहते, वो यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करते हैं, तो प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उनको पतन जो है वो हो जाता है, कभी कभी उनका पतन हो जाता है। लेकिन अगर पतन नहीं होता है तो भगवान को प्राप्त करते हैं, सायुज मुक्ति वो प्राप्त करते हैं। हरे क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रकृति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रकृति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं, भक्तों की जो है वो बात कर रहे हैं कि तरह तरह के जो भक्त होते हैं उनमें से ये लोग क्या करते हैं, बहुत क्लेश पाते हैं। अव्यक्त रूप वाले जो अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है उनको और इंद्रियों पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा अंतर करके देखिए तो भक्त क्या होता है, साकार बहुत आसान होता है सेवा करना। कोई भी आपके सामने बैठा हुआ है, आपके पिता है, पितामह है, माता है, माता माँ है, तो क्या है, आप बड़ी आसानी से सेवा कर लेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं नहीं माँ है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, तो बहुत मुश्किल होगा। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, लेकिन जो भक्त होता है वो नियंत्रण कैसे करता है, इंद्रियों से सेवा करता है। इंद्रियां जो है हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती है, मन हमारा जो है वो उनका स्वामी होता है, मन हमारा कभी डिगता नहीं है, हर जगह इधर उधर घूमता रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है नियंत्रण करना। फिर अगर हम निराकार की सेवा करें तो उनको संस्कृत आनी चाहिए, अच्छे अच्छे से श्लोक पढ़ सके, कहीं गलतियां ना हो और उनके मतलब समझ सके। लेकिन भक्त क्या करता है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करिए हो जाएगी भक्ति। फिर जो निराकारवादी होते हैं उनको गुरु नहीं होता है, गुरु के माध्यम से नहीं जाते हैं, जबकि भक्त क्या करता है, गुरु मिल जाते हैं, भक्त मिल जाते हैं, श्रवण कीर्तन करता है, आराम से जो है भक्ति होती रहती है। निराकारवादियों की साधना बहुत लंबी होती है, मुश्किल होती है, भक्त लोग नेचुरल जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। या जो निराकारवादी होते हैं वो स्वयं प्रयास करते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, लेकिन जो भक्त होता है उस पर कृष्ण कृपा होती है, कृष्ण के भक्तों की कृपा होती है, जो माया से बचाते हैं, ध्यान रखते हैं, अवश्य रक्षिवो कृष्णा, कृष्ण योग क्षेम वहाम्यहम्, भगवान ने कितनी जगह कहा है। तो निराकार जो रूप होता है उसमें कोई गुण नहीं होते हैं, जो भगवान है उनके 64 गुण हैं, तो उनके पास कोई ऐश्वर्य भी नहीं है। यहाँ भगवान के पास जो है 6 भग है। जो निराकारवादी होते हैं, निराकारवादी, उनको रिस्क रहता है पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। भक्त क्या है, नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते, जितनी भक्ति की है सब सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर केवल सत और चित्त की प्राप्ति होती है निराकारवादियों को, और जो भक्त होता है उसको सत चित आनंद सबकी प्राप्ति होती है। तो ये अंतर होता है कि कैसे जो है वो भगवान के निराकार स्वरूप को जो पूजते हैं उनका रास्ता थोड़ा सा कष्टदायी होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बड़े आराम से इसको पार कर लेते हैं। जैसे कि एक दीवार है, अब दीवार पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होता है, दीवार पर सोना की फोटो टांग लीजिए, बड़े आराम से जो है ध्यान लग जाएगा आपका। हरे कृष्ण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्ययेनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मैया वैश्यत चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ठीक है। भक्ति करना बहुत आसान होता है, विचलन नहीं होता है, जबकि निराकारवादी क्या करते हैं, पहले संसार छोड़ते हैं, फिर कभी कभी संसार में भी पड़ जाते हैं, तो बहुत कष्टप्रद है। देहाभिमान होता है, देहाभिमान के कारण क्या होता है, शरीर को पहचानते हैं तो बहुत कठिन होती है उपासना, घर बार छोड़ना पड़ता है, पवित्र स्थान की तलाश होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, भौतिक उपाधियों का त्याग करना पड़ता है। तो ये जो रूप भगवान का है ये जो है वो सर्वव्यापी भी है, अकल्पनीय भी है, अटल भी है, अचल भी है, लेकिन इसको मुश्किल ये है कि अनुभूति नहीं हो सकती, इंद्रियां नहीं इसको समझ सकती हैं। कलयुग में जैसे हमने पढ़ा है कि पवित्र एकांत स्थान मिलना ही मुश्किल है, माताएं बच्चे घर छोड़कर जा ही नहीं सकती हैं, घर का स्वामी चला जाए तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत बाधाएं हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं, शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, भक्ति करिए अपने आप शुद्ध होते जाएंगे,
भोग लगाइए, प्रसादम खाइए और जो है शुद्ध होते जाइए, जप करिए, बाला करिए और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार हो जाएगा। भगवान इस भव सागर से हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जैसे आपने लेवल 1 में देखा होगा चित्र की, कैसे जो है वो भगवान गरुड़ पे चढ़ के आते हैं और पार उतार लेते हैं। तो भगवान जो है जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से आपका उद्धार करूंगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के बड़े आराम से ले जाती है, वैसे ही जो है वो भगवान उठा के ले जाते हैं। बंदर के बच्चे क्या होते हैं, बंदर को पकड़ना पड़ता है, बंदर इतना उछलता है और वो जो है वो बंदर का बच्चा पकड़े रहता है कस के, कभी भी गिर सकता है। लेकिन जब बिल्ली का बच्चा होता है, वो भगवान उसी तरह से मुंह में पकड़ के या किसी तरह से जतन करके ले जाते हैं। हरे कृष्ण। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझको सदैव मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का एक भाग अभी आपने पढ़ा कि साकार और निराकार की जो है बात को पढ़ा। अब जो है भगवान बताने जा रहे हैं कि भक्ति के स्तर कैसे हैं, कैसे भक्ति जो है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, की कौन कौन से स्तर आपको जो है वो करने चाहिए, कैसे आप भगवान को पा सकेंगे। हरे कृष्ण। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुञ्जनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान की भक्ति के अलग अलग स्तर है। भगवान बताते हैं कि कैसे हमको भक्ति करनी है। तो साकार रूप में भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, पहला स्तर उन लोगों का है जो भगवान कृष्ण का, जिसमें जिन लोगों में प्रेम विकसित हो गया है, जो लोग भगवान को जान गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, तस्मात सर्व कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा है मन को मुझ में लगा लो, अपना चित्त मुझ में स्थिर कर लो, मैये वो मन अधस्तव, सारे कार्य मुझको समर्पित करते करो। जैसे चिड़िया होती है ना, अपने अंडों को पास में बनी रहती है, बच्चे को बड़ा करती है, हमेशा स्पर्श करती रहती है। लेकिन मछली क्या करती है, अंडे को देख देख के ही बड़ा कर देती है। कछुआ दूर बैठा बैठा अपने चिंतन कर के ही अपने बच्चों को बड़ा कर देता है। और भगवान के भक्त भी क्या करते हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। भगवान का स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है ये, जो भगवान को जो है 24 घंटे मन लगे। कहते हैं स्मरणात्मक भक्ति, श्याम सुंदर रूप का स्मरण करना, तो मन के द्वारा स्मरण करना। और दूसरा होता है मननात्मक भक्ति, मयि बुद्धि निवेशय, बुद्धि को निवेश करना है भगवान के रूप में, गुण में, लीला में, इसको जो है निवेश करके भगवान की भक्ति करना है। हरे कृष्णा। अभ्यासेत्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर दो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभ्यासे, अब जो है दूसरी विधि का वर्णन कर रहे हैं कि अभी कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुए हैं तो भक्ति के नियम का पालन करो, अभ्यास करो, उससे क्या होगा, दृढ़ता आएगी। तरह तरह के नियम होते हैं भक्ति में, उन विधि विधानों का पालन करो। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, महामंत्र का जाप करना, भोग लगाना, प्रसादम ग्रहण करना, भगवद गीता भागवतम का पाठ करना, सुनना। तो इससे भी क्या कर सकते हैं, भगवान के स्तर तक पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास योग, इसको साधना भक्ति भी कहते हैं। पढ़ेंगे आप लोग आगे लेवल 3 में कि दो तरह से जो है वो कर सकते हैं साधना भक्ति को, एक वैधि भक्ति होती है, दूसरी रागानुगा भक्ति। इस वैधि भक्ति की बात कर रहे हैं कि नियम के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, नियमों का पालन कर अभ्यास करके जो है भगवान को प्राप्त करने का कार्य करना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अभ्यास नहीं कर सकते, मदर्थम अपि कर्माणि,
कर्म करो मेरे लिए, कर्म करो, जो भी कर्म कर रहे हो क्या करो, मुझे समर्पित करते रहो, समर्पित करो मेरे को कर्म को। तो हमें जो है वो कृष्ण के लिए कर्म करना है, इंद्रियों को लगा देना है, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना, मंदिर की सेवा करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ये जो है भगवान के लिए कर्म करना है, इसके लिए भगवान कह रहे हैं हरे कृष्णा। अथेतदप्य शक्तोसि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागन ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे लिए इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण। तो अभ्यास नहीं कर सकते हो, अभ्यास करने में असमर्थ हो तो कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो, अच्छा सा मंदिर बनवा दो, भगवान का मंदिर साफ करो, पढ़ना आता है तो भगवद गीता पढ़ के सुना दो। लेकिन कुछ कारण हो सकता है आप कर्म को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की हिचकिचाहट हो, किसी तरह की बाधा हो, कोई व्यवधान आ रहा हो, तो अपने कर्म फलों से आसक्त मत हो। कर्म फलों से आसक्त होंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन होंगे, कर्म बंधन जो है वो जगड़ते हैं, सेवा भाव नहीं आने देते हैं। तो अपना मन मुझ में लगाओ, मन नहीं लगता है तो भक्ति के नियमों का पालन करो, यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो अपने कर्म को मुझे समर्पित कर दो, कर्म समर्पित नहीं कर पा रहे हो तो कर्म फलों से आसक्ति मत रखो। भगवान कह रहे हैं कुछ तो प्रयास करो, इतने ऑप्शन कौन देता है, कोई कंपनी, कोई माता पिता संबंधी, स्कूल कॉलेज कोई भी नहीं देता है, भगवान यही तो कहना चाह रहे हैं कुछ तो कदम चलो हमारी ओर, मैं तुमको अपने हाथ पकड़ करके आगे जो है ले चलूंगा, मेरे लिए जो है कर्म फलों का त्याग करो, मतलब क्या है, निष्काम कर्म करो, फल की कामना से रहित कर्म करो। हरे कृष्णा। श्रेयो हि यही है ना माता जी। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास त्यागात् शांतिरनन्तरम्। यदि तुम इस अभ्यास यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। तो भगवान करे कर्म फल से आसक्त हो तुम, अभी अभी वैराग्य नहीं आया है तो तुम्हें क्या करना है, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से क्या होता है, हमको पता चलता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं कि गलत कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ वैराग्य भी आता है, जब ज्ञान के द्वारा वैराग्य आता है तो कर्म फलों से आसक्ति समाप्त हो सकती है। वैराग्य क्यों नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान की कमी होती है, जब हम भगवान को जान जाते हैं तो हमें अपने आप वैराग्य आ जाता है। कहते हैं कि भगवान में आसक्ति का अर्थ क्या होता है, कि अभी लकड़ी गीली आग नहीं पकड़ेगी तो पहले लकड़ी को सुखाना पड़ता है ज्ञान के अनुशीलन से, जब ज्ञान हो आ जाता है तो कर्म फलों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो हमें करना क्या है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हमारा मन क्या करे, भगवान में धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए, कलयुग में कहा गया ना हरि कीर्तन करना है, कृते यथायते विष्णु तेतायाम भजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। तो हमें कहा गया है कि यही एक कार्य है जो कलयुग में हमारे जो है गति दे सकता है, कलौ नास्ते विनास्ते युग गतिर अन्यथा। तो हमको युग धर्म क्या है हमारा, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए हमें कार्य करना है, तो सबसे ऊपर है कि कृष्ण भावना में हो जाना। तो भक्ति के तीन स्तर पहले बताया गया अनन्य भक्ति के बारे में, 8वें से 12वें श्लोक तक ये लगातार बताया जा रहा है, पहले अनन्य भक्ति के बारे में, फिर साधना भक्ति के बारे में, तब निष्काम कर्मियों के बारे में, फिर चौथे नंबर पे है कि सब कर्म त्याग दो। तो ये जो है क्यों कह रहे हैं भगवान, भगवान ने सब कर्म को त्याग दो इसको चौथे नंबर पर क्यों रखा है। अरे कोई हरे कृष्ण। बताएगा कि चौथे नंबर पर क्यों रखा है भगवान ने कि कर्म का परित्याग जो है वो कर दो, तो इसको तो पहले नंबर पर रखना चाहिए कि हाँ कर्म का त्याग करना कितना मुश्किल काम है, कर्म फल का त्याग, एक तरह से कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग। हरे कृष्णा। भगवान ने इसको नीचे क्यों रखा है। जी हरे कृष्ण माता जी। भगवान हरे कृष्णा। ने ऑप्शन दिए कि पहले तुम मेरे ऐसी भक्ति कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको पता है कि जीव जो है वो अपने कर्मों के फल को देने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होगा, इसलिए पहले और ऑप्शन दिए भगवान ने। फिर जी माता जी, और कोई ऐड करना चाहता है कुछ। हरे कृष्ण।
माता जी, कर्म फलों का त्याग भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उससे फिर हमें अटैचमेंट नहीं रहेगा कर्म करने से, कि हम दुखी हो जाएंगे यदि हमें उसमें सफलता नहीं मिली। और इसीलिए मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म के फल मतलब हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल अपना कर्म करो। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, कर्म का जो फल मिलने की इच्छा है उसका तुम त्याग करो, क्योंकि यदि हमें वो उसमें सफलता मिलेगी यदि, तो फिर हम मतलब उसमें दुखी हो जाएंगे। तो हमें ये मानना है कि जब कर्म फल हमें मिल रहे हैं, सफलता मिली है, तो हरि कृपा है भगवान की, और यदि असफलता मिली है तो वो हरि इच्छा है, ये मानना है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ऊपर के 3 स्तर हैं, ये भक्ति काफी आगे बढ़ गई है, प्रगति हो रही है, लेकिन अभी ये जो नीचे के 3 स्तर हैं, ये अभी जो है वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। ये तीनों को, कर्म फल के त्याग को कर देना, कर्मों का जो है वो कर्म करना भगवान के लिए, कर्म फल का त्याग करना और साथ ही ज्ञान का अनुशीलन करना, ये हम कर सकते हैं, स्वयं भी अपने आप से कर सकते हैं, धीरे धीरे हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर हमको भक्तों की कृपा चाहिए, गुरु चाहिए हमको, तभी हमको भक्ति प्राप्त होगी। तो अनन्य भक्ति है, ये भी जो है वो कृपा से ही होती है, साधना भक्ति है, गुरु चाहिए, गुरु के निर्देशन में हम विधि विधान उसे पालन करते हैं, निष्काम कर्म योग तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जो है वो भक्तों की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा हो जाए। तो ये भक्ति के स्तर है, इनके द्वारा हम धीरे धीरे भगवान तक पहुंचने के लिए जो है प्रयास कर सकते हैं, भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये 8 से 12 श्लोक थे। अब अगले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं, 8 श्लोक बचे हैं, इनको अष्टप्रिय भक्ति का कहा जाता है। भक्त भगवान को बहुत जो है वो प्रिय होते हैं, और जो है वो भक्त भी भगवान को बहुत प्रेम करता है, तो दोनों आपस में बड़े प्रिय करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है भक्तों के बारे में। कृष्ण अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुखः क्षमी संतुष्ट सततयोगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चित निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो भक्ति के अधिकारी होते हैं, 3 अधिकारी होते हैं भक्ति के अनुसार, श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा जैसी होती है वैसे उनको भक्ति का अधिकार मिलता है। कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, नवदीक्षित होते हैं, श्रद्धा कोमल होती है, भक्त की महिमा को नहीं जानते हैं, पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, बड़ी शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मध्यम अधिकारी ये भक्तों से, भगवान से प्रेम करते हैं, अभक्तों से दूर रहते हैं, अब जो अबोध होते हैं उन पर कृपा करते हैं, और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो द्वेष नहीं करते हैं, समभाव रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं, पर दुखे दुखी होते हैं, सहन शक्ति होती है उनमें। कहा गया मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंश मा नित्यम दुष्यंती च रमंती च, रमन करते हैं, तुष्ट रहते हैं। प्रभुपाद जी को देखिए, आखिरी दिन तक भागवतम का अनुवाद करते रहे, उनकी चेतना कितनी शुद्ध थी, शरीर कमजोर हो रहा है पर चेतना भगवान के साथ थी। प्रहलाद महाराज कितना कष्ट था, उनके पिता ने उनको कष्ट दिया, पर वो हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे, उससे दूर नहीं रहे। तो कृष्ण पर जब विश्वास हो जाता है तो ये गुण आ जाते हैं जिन गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है, कि द्वेष नहीं रहेगा, जब भय रहता है तो अशांति होती है, अशांति होती है द्वेष आता है। तो ये सब तभी आता है जब आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। कहते हैं ना कि जैसे अग्नि बने बिना सूर्य के पास नहीं जा सकता, सूर्य बहुत गर्म होता है, जब खुद भी उतने गर्म हो जाए तभी तो नहीं जलेंगे, अगर इस रूप में पहुंच जाएंगे तो क्या जल जाएंगे। उसी तरह से जो कठोर शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जब उससे नहीं गुजरेंगे तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे, कहाँ
कष्ट होता है, लगता है जैसे बीमार है हम, बहुत रोग से पीड़ित है। कोई बीमार होता है तो क्या होता है, डॉक्टर कितना उपचार करता है, कितना कष्ट होता है उसमें, पर ठीक हो जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे ही जब भक्त ठीक हो जाता है, जब भक्त प्राप्त कर लेता है, तो उसकी चेतना बदल जाती है, उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं जिन गुणों का यहाँ वर्णन किया गया। अद्वेषता, किसी से द्वेष नहीं करता, कोई द्वेष की भावना नहीं रहती, मित्र रहता है, सबसे मित्रता का भाव रहता है, समानता का भाव रहता है, मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं होती, स्वामित्व नहीं होता है, मिथ्या अहंकार नहीं होता है, मैं की लड़ाई नहीं होती है। कहीं पर किसी के यहाँ से आवाज लगातार आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो जब अहंकार होता है हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, जब मित्रता होती है तो हम क्या सह लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, दयालुता आ जाती है, संयम आ जाता है। तो ये सारे जो गुण होते हैं, मन बुद्धि भगवान में लग जाती है तभी आते हैं, नहीं तो किसी में इतने सारे गुण कैसे आ सकते हैं, भगवान की भक्ति से ही आ सकते हैं। एक ही मूल मंत्र है भगवान की भक्ति, और जिसमें ये गुण आ जाते हैं, जो ये सारे गुण प्राप्त कर लेता है, वो क्या होता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान बता रहे हैं कैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ये बहुत उच्च अवस्था है। हमको बोल देते हैं, हम सबके प्रति हम सब भाव रहते हैं, कहाँ रह पाते हैं हम जो आत्मसंतुष्ट है, कहाँ रह पाते हैं हम, आत्मसंयमी है कहाँ हो पाते हैं। बहुत उच्च अवस्था है ये, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। द्वेष, बहुत जल्दी द्वेष हो जाता है, बहुत जल्दी हम दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, बहुत जल्दी द्वेष करने लगते हैं। तो ये भक्त का गुण है, लगातार भगवान भक्त के गुण बताएंगे। हरे कृष्णा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वये मुक्तो यस्स च मे प्रियः। जिसमें जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। दो विधि बताई गई, क्रमिक विकास, धीरे धीरे भक्त बन जाना, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, कृष्ण भावनामृत हो जाना। तो भगवान ने ये गुण बताए, कुछ और गुण बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, कैसे ये कैसे गुण आ जाते हैं। तो छह लक्षण यहाँ बताए गए हैं, प्रभावित नहीं होता है, मतलब क्या, विचलित नहीं होता है और प्रभावित करता भी नहीं है, कष्ट भी नहीं पहुंचाता है, ऐसे कर्म नहीं करता है जिसे कि असंतोष हो, चिंता हो, किसी को परेशानी हो, नहीं ऐसे कार्य नहीं करता, प्रभावित भी नहीं करता है, संभाव रहता है, कब कब रहता है, सुख में रहता है संभाव, दुख में रहता है संभाव, भय में रहता है संभाव, चिंता में रहता है तो संभाव। तो ये छह लक्षण यहाँ बताए गए हैं। एक चीज यहाँ श्लोक देखिएगा तो बड़ी जो है वो एक चीज है यहाँ पर, कि यहाँ पर उद्वेग शब्द का वर्णन किया गया है, और एक बार वर्णन नहीं किया गया है, तीन बार वर्णन किया गया है। इसके पहले 11 अध्याय हो गए, उद्वेग शब्द नहीं आया था, और आया है तो 3 बार आया है। यस्मानो द्विजते, उद्विजते, उद्विजते का मतलब होता है उद्वेग हो जाना। लोको न उद्विजते हर्षावेश भयोद्वेगे, तो उद्वेग हो जाना, उद्वेग जो है वो कब होता है, हरे कृष्णा, हमारे अंदर उद्वेग कब होता है, जब हम कब उद्वेगित होते हैं, कब हमारे अंदर उद्वेग आ जाता है, हरे कृष्णा, कोई बताएगा। उद्वेग कब आता है हमारे अंदर, कब हम हो जाते हैं ऐसे विचलित, कब हो जाते हैं। जब हमारे अनुरूप कोई चीज नहीं होती, तो हमारी जो आकांक्षा है उसके अनुरूप नहीं होती, तो हमको मतलब हमारी जो कामना है उसके अनुरूप काम नहीं होने से हमें हरे उद्वेग आता कृष्ण। है। बिल्कुल सही कह रहे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ माता जी, मेरा भी यही कहना था कि जब हमारी कोई भावना होती है और उसकी पूर्ति ना हो तो बहुत तेज उद्वेग आता है। बहुत तेज उद्वेग आता है, जी बिल्कुल माता जी सही कह रहे हैं आपकी, इसके कई कारण हैं और सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। कि जब हमें अपनी बात को, मेरी बात को कोई महत्व नहीं देता है, या हम दूसरे की बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो हमारे अंदर आने लगता है कि ये क्या है, हम बहुत ज्यादा विचलन की अवस्था में हो जाते हैं। या फिर जब कोई अपना होता है, आपका अपना होता है, उसके लिए हम उद्वेगित होते हैं, उद्वेग आता है हमको। कोई स्वार्थ टकराता है तब, कोई कार्य हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब, और कई बार होता है ईर्ष्या हो जाती है।
तो भी हमारे अंदर ये चीजें आती हैं, उद्वेग आ जाता है। तो जब हम इससे ऊपर जो हो जाता है, इस अवस्था से जो ऊपर हो जाता है, वो भक्त कहलाता है। उसके लिए कहा जाए कि वो भक्त है जिसके अंदर उद्वेग नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भागवतम की कहानी है शिव जी की, चित्रकेतु की, कि शिव जी बैठे हुए हैं, पार्वती बैठी हुई, चित्रकेतु आता है और उनको कुछ कह देता है। माता जी विचलित हो जाते हैं, लेकिन शिव जी विचलित नहीं होते हैं। माता जी जो है दे देती है श्राप। चित्रकेतु भी भक्त है, विचलित नहीं होता है। माता के श्राप को ले लेता है कि नहीं ठीक है माता, आपने जो दिया है वो सर माथे पे। तो ये क्या होता है, भक्त का होता है कि भले ही शिव जी का उपहास उसने लगा पार्वती माता को कि उपहास किया है, लेकिन शिव जी को नहीं, शिव जी भक्त है, विचलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन शिव जी का अपमान माता नहीं सह पाती है। तो चित्रकेतु को श्राप देती है तो वो अगले जन्म में राक्षस बन जाता है। तो श्रीमद भागवतम में आप पढ़ सकते हैं, 3 जन्मों की चित्रकेतु की कथा है। हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। अनपेक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तस्स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय। हरे कृष्ण। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा ही नहीं है, सुचि दक्ष है, शुद्ध है, बिल्कुल उदासीन है। जैसे जज होते हैं ना, उदासीन, कोई भी निर्णय लेते हैं उदासीन रहते हैं, किसी भी उसका उनके ऊपर असर नहीं करता है कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो मैंने फांसी दे दी, तो इस तरह का उनको कोई नहीं, तो उदासीन रहते हैं। चाहे वो किसी को मुआवजा दे तो भी वैसे ही, किसी को फांसी पर लटकाए तो भी वैसे ही, वैसे रहता है जो भक्त होता है, चिंता रहित, समस्त कष्टों से रहित, कोई भी फल के लिए प्रयत्नशील ही नहीं होता है, तो उसको कोई जो है वो कष्ट होता भी नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ जो भोग के लिए नए नए कर्म करता रहता है, 6 लक्षण इसमें आया ना, अनपेक्षा, शुचि, उदासीन, गत व्यथा और सर्वारंभ और परित्यागी, 6 लक्षण यहाँ बताए हैं। तो सर्वारंभ उसको कहते हैं जो भोग के लिए नए नए कार्य करता रहता है। उसके जो कार्य होते हैं इंद्रिय विषयों से संबंधित होते हैं कि आज हमको ये भोग मिले, आज वो भोग मिले, उसको आरंभ कहते हैं। और परित्यागी जो त्याग कर देता है इंद्रिय विषयों का, सभी कर्म फलों का, वो क्या होता है, परित्यागी कहलाता है। हरे कृष्ण। माता जी, जो आपने बात बोली थी 4-5 दिन पे, 3 या 4 दिन पहले, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि मरने से पहले मर मर जाना, प्रभु जी मृत्यु को वो से। बात काफी हिट कर गई है, डाई बिफोर डाई। माता जी, वो बात तो घर कर जी हाँ, गई। लग रहा है मुझे भी, क्योंकि आप कई बार उसका वर्णन कर चुके हैं। तो ठीक है प्रभु जी, ऐसे ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठीक है, पढ़ते पढ़िए बात। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यस्स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी देखिए, कोई भी एक लाइन ही हमारे जीवन को बदल देती है, जीवन की दिशा और दशा बदल देती है। तो कब कोई चीज किसी को प्रभावित कर जाए और कब किसी का जो है जीवन उसके पे आधारित हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो क्या करता है, न हर्षित होता है और न ही जो है शोक करता है, एक जैसा रहता है। न सोचति न कांक्षति, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति। तो 4 विकार मुख्य होते हैं, राग, द्वेष, हर्ष, शोक। सिद्ध पुरुष जो लोग होते हैं उनमें इस तरह का विकार नहीं आता है, वो लोग तो इन सबसे दूर रहते हैं, अलग जो है होते हैं। तभी तो देखिए कभी वो समाज में ऐसे घुल मिल के अपना समय नहीं इधर उधर करते, हमेशा वो भगवान के ही उसमें रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, पिता ने कितना कष्ट दिया, तेल में डाला, हाथियों से रौंदने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, लेकिन डिगे नहीं, वो जो है वैसे ही के वैसे ही रहे।
तो ये भक्त का गुण होता है, भक्त के यहाँ पे गुण बताए जा रहे हैं। इसमें भी हमें 5 लक्षण बताए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समशत्रुश्च मित्रैश्च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस् स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो संलग्न है, ऐसा पुरुष सत्पुरुष। हरे तो भगवान कृष्णा का, माता, हरे कृष्णा ये माता जी। आवाज आ तो रही थी माता भगवान जी? का, जी हाँ आ रही थी, थोड़ा सा अटक रहे थे आप, लेकिन आ रही, कभी कभी थोड़ा अटकन आ रही। तो भगवान कहते हैं कि जो मौन रहता है, उसका अर्थ ये नहीं कि मौनी बाबा है, उसको बोलना नहीं आता, इसका अर्थ है कि वो अनर्गल नहीं बोलता है, फालतू की बातें नहीं बोलता, भगवान के बारे में बोलता है। जो भौतिक चीजें हैं उसके बारे में मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं करता, इसका मतलब है कि वो घर से आसक्त नहीं होता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए संतुष्टि, नहीं मिले तो भी संतुष्टि, अच्छा आवास मिल जाए तो भी संतुष्टि, नहीं तो पेड़ के नीचे सो जाएगा। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। जैसे हमने देखा कि धृतराष्ट्र कितने आसक्त थे, सही गलत का भेद ही नहीं समझ में आ रहा था उनको, बस एक सूत्री कार्यक्रम, पुत्र के लिए राजगद्दी चाहिए, इतना राजगद्दी से मोह था, राष्ट्र से मोह, धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को पकड़ के रखे, जबकि पांडव भी थे उसी के वंशज थे, उनके पिता भी नहीं थे, उनके पिता के न रहने पर धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुर्योधन को ही राज्य देना चाहता था। तो प्रेम में गलत सही का जो है भान खो देता है आदमी, आसक्ति में, प्रेम में तो रहता है गलत सही का भान, लेकिन जब आसक्ति में बदल जाता वही प्रेम, तो क्या होता है, वो सही गलत का भेद करना बंद कर देता है। माता पिता है, अगर बच्चे से प्रेम करते हैं तो उनको गलत होने पर समझाते हैं, अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देते हैं, संस्कार देते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिखाते हैं भेद करना। लेकिन जो लोग आसक्त हो जाते हैं, उनका बच्चा कुछ भी करे वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसके बारे में गलत सुनना ही नहीं चाहते, तो क्या होता है, बाद में उनकी स्थिति दुर्योधन जैसी हो जाती है। लेकिन जो ज्ञान में दृढ़ होता है, उसके लिए कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, भक्ति में लगा रहता है। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, राज ऋषि थे, राज ऋषि राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है कि ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया जाता था, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु स काल निह माता योगो नष्टा परम तपा। वो राज धर्म के अनुसार चला सके और जैसा राजा आचरण करेगा वैसा प्रजा आचरण करेगी। तो ये सारे गुण जो है, बहुत सारे गुणों को बताया है भगवान ने, और इसीलिए जो है वो इसको भगवान ने बहुत महत्व दिया है कि भक्त कैसा होता है। भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान जो है उसको बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए ये अष्ट प्रिय भक्ति का जो है श्लोकों को भगवान ने बोला है। और आखिरी श्लोक है 20वां श्लोक, पढ़ती है माता जी। हरे ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण। हरे माता जी कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में भगवान, कि भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, और भक्तों की संगति होती है तो श्रद्धा आती है, श्रद्धा के साथ कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, तो बहुत सुगम उपाय है भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति योग के अध्याय जो है अब समाप्त हो रहे हैं, 7 से 12 अध्याय विशुद्ध भक्ति के बारे में, अनन्य भक्ति के बारे में बताया भगवान ने।
भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या लाभ है, कौन लोग भगवान को प्रिय हैं, सबके बारे में बताते हैं। ये भगवान ने हमको कितना सुंदर दिया हुआ है कि हाँ सब मुझे प्रिय है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि। मैं जो भी भक्त करता है वो मेरा थोड़ा प्रिय ज्यादा हो जाता है। जो भी बच्चा जो है वो माँ को ज्यादा पुकारता है, माँ उसके लिए ज्यादा जो है चिंतित रहती, क्यों बुला रहा है, बच्चा परेशान तो नहीं है। तो लगातार जो है वो भगवान को भक्त पुकारता रहता है, और भगवान पुकारता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, और जो है वो भगवान जो है अपनी भक्ति दे देते हैं। ऐसा जो है वो हम भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो भगवान को मानना है, भगवान को देखना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का दास बनना है, यही यहाँ पर बताया गया। बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये, और एकादशी आती है उस दिन आप इन 20 श्लोकों को पढ़ सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है इन 20 श्लोकों को आप अध्ययन करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। साकार निराकार की धारणा को स्पष्ट करते हैं और साकार को श्रेष्ठ बताते हैं। तो अब हमारा भक्ति योग बताया, जिसमें 5 स्टेप भी बताए गए कि चित्त को स्थिर करिए, निरंतर ध्यान करिए, भक्ति के विधि विधानों का पालन करिए, माला करिए, जन्माष्टमी मनाइए, काशी का व्रत रखिए, भगवान के लिए कर्म करिए, निष्काम कर्म योग करिए, भक्तों की सेवा करिए, कर्म ना कर पाए तो कर्म फलों का त्याग करिए, ज्ञान का जो है अनुशीलन करिए। तो ये न आपको काल की जरूरत है, न परिस्थिति की जरूरत है, न समय की जरूरत है, सब जो है वो भक्ति में कोई भी नियम इस तरह का नहीं है। हमें कभी भी आप भगवान को याद कर सकते हैं, कभी भी आप भगवान की शरण ले सकते हैं। तो भक्ति को ही अपना उद्देश्य बनाइए, भगवत धाम को अपना लक्ष्य बनाइए। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हर्षा माता जी आप लोग के बीच में हैं, और हर्षा माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हर्षा माता जी आप लोग को पहले बता देंगी कि कैसे आप लोग अपना रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। रजिस्टर आप लोग ऑलरेडी लेवल 1 में हैं, तो माता जी पहले आप पूरा प्रक्रिया बताएंगे या प्रॉब्लम्स लेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, पहले ही प्रक्रिया बता रही हूँ, अगर वो सही जा रहे हैं सभी तो कहाँ कहाँ फिर प्रॉब्लम आ रहा है। माता तो जी शेयर जैसे ही, करेंगे या अंजलि माता जी को बोल दूँ शेयर करने को? हाँ ठीक है माता जी, अंजलि माता जी को बोलिए शेयर करने को। हाँ अंजलि माता जी शेयर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का करना है ये, इसका लिंक का दो, कौन सा देना है, किस लिंक का लेवल 2 देना का है माता लिंक जी? खोल दीजिए। लेवल 2 की लिंक खोल के दे आप रही हूँ। खोलिए अपनी लिंक माता जी, बताइए। अच्छा माता जी मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन करूँ? हाँ कर लीजिए माता जी, कर लीजिए। तो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अच्छा ठीक है, अंजलि माता जी का हाँ कर रही। ठीक 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 अंजलि माता जी कर रहे हैं, कर लिया है। हरे कृष्णा। जी माता जी, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे आ रहा है नॉट एनरोल्ड। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले लॉग इन फॉर टू एनरोल करेंगे, लॉग इन टू एनरोल को क्लिक करेंगे। माता नेहा जी शाह खोल माता जी, देखते दीजिए। चलिएगा, बराबर है ना? जी जी माता जी। हाँ, अभी यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम और ईमेल आईडी। तो जो जो नाम आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए आप वो नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंजलि माता जी, आप AM लिख दीजिए, अंजलि मोहर, या ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आपको ठीक लगे। हाँ, अभी इसके नीचे आएगा आपका पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड आपका मेल आईडी का पासवर्ड है आपको वो डालना है। माता जी पासवर्ड डाल दीजिए। ये पूरे ध्यान से आपको डालना है। अगर आपका पासवर्ड स्मॉल वर्ड कैपिटल में है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल है तो कैपिटल डाल के आगे लेना है, स्मॉल है तो स्मॉल में लेना है, मतलब कहीं गैप नहीं कुछ नहीं।
वो ध्यान देना है आपको। यहाँ पे मेरा शायद पासवर्ड भी मुझे याद एक नहीं आ रहा क्वेश्चन था। माता जी, मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगी अगर आपके आगे हो तो। जी, माता जी। हरे कृष्णा, जैसा कि हम लोगों ने लेवल 1 कंप्लीट किया है, तो लेवल 1 में हमारा लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी हमने कौन मैंगलुरु इंडियन का बना के रखा है, तो लॉगिन हमेशा हमारा ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड जो है वो हम लेवल 1 में ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। वही पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है और ये ओपन करना है। जैसे लेवल 1 में हम लॉग इन करके क्विजेस करते थे, सेम उसी तरह से लेवल 2 में सिर्फ आपको वो लिंक में जा करके लॉग इन टू एनरोल करना है और आपका लॉग इन आईडी और पासवर्ड जो लेवल 1 का था वही डाल करके आपको लॉग इन करना है और क्विज स्टार्ट करना है। हरे कृष्णा। माता जी, इनका पासवर्ड नहीं ले रहे शायद। हाँ शायद मेरा भी माता हो गया। हाँ शायद गलत हो माता रहा जी, है, मेरे मुझे साथ भी याद। बार बार यही हो रहा था। जी, हाँ माता जी जी, अभी इस देखिए, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपका नहीं ले रहा है, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे, जय श्री कृष्ण माता जी। माता जी माता जी, जी यही प्रॉब्लम आती है, फॉरगेट पासवर्ड भी करते हैं तब भी यही प्रॉब्लम आती है। माता जी, फॉरगेट पासवर्ड करके आप वो मेल आईडी में, आपकी मेल आईडी जो होगी ना, वहां पे आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको फिर से आपकी पासवर्ड को सेट करना है। तो आप जो पासवर्ड वहां पे डालना चाहते हैं, आप डालिए एक बार और उसको सेट करिए। सेट करने के बाद फिर वापस यहाँ पर आएंगे आप, और वैसे ही फॉर्मेट जैसे अभी ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड डाला, सेम वैसे ही करेंगे और फिर लॉग इन करेंगे, तो वो पकड़ लेगा और आपका ये क्विज स्टार्ट हो जाएगा। माता जी, मैंने ना फर्स्ट वाला लेवल जो था जी उस टाइम पे स्टार्टिंग मैंने लेवल 2 से ही किया था। फिर मैंने लेवल 1 किया, क्योंकि लेवल 2 तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैं देखूं भगवत गीता में क्या होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके मुझे इतना समझ में, मतलब इतना डीपली मैं कर ही नहीं पा रही थी उसको कंप्लीट, इतना टाइम टेकिंग लग रहा था एक एक अध्याय मुझे। मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ कैसे पढ़ना होता है, फिर मैं करूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं लेवल 1 भी कर लेती हूँ, पहले लेवल 2 अच्छे से सीख लिया है तो 1 करती हूँ। तो लेवल 1 में भी मेरा ये नहीं हो पाया, और फिर अब लेवल 2 दोबारा से चालू हो गया, इसमें भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने दो दो बार कर लिया दोनों, लेकिन एक बार भी मेरा मतलब सर्टिफिकेट वाला कोई काम नहीं हो पाया, मैंने पेपर पेपर का। फॉरगेट पासवर्ड किया और अपना ईमेल आईडी डाला, तो इसमें बता रहा था ईमेल आईडी एंटर्ड वाज नॉट फाउंड इन द डाटाबेस। माता बिकॉज़ जी, माता आपकी दो मेल जी आईडी है क्या? बता रहा है ना, हरे कृष्णा, शायद आपने जो ईमेल आईडी दिया है ना, मतलब जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी आप नहीं डाल रहे हैं। और किसी को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सपोज आपने एक ईमेल आईडी डाली है और आपका नहीं हो रहा है, आपने फॉरगॉट पासवर्ड किया तो भी नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको नए से रजिस्टर में देखिए, जब आप लॉग इन करेंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड है उसके नीचे है न्यू यूजर, यानी कि न्यू यूजर में रजिस्टर करके आप बकायदा आपका पूरा नाम, एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस डाल के, आपका मोबाइल नंबर डाल के फिर से रजिस्टर कर सकते हैं और अपना पासवर्ड बना सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी, न्यू यूजर में क्लिक करके देखिए। हाँ इसमें जो आया ना माता जी, वो पासवर्ड डाल रही मैं, की वाला, तो वो नहीं याद ले रहा है वो, शायद फॉरगेट पासवर्ड का मुझे आया जो मेल कंफर्मेशन है वो नहीं ले रहा आपने यूजर आईडी तो डाला ही नहीं, आपने यूजर नेम डाला नहीं, है। नहीं, डाला था, अच्छा फिर से डालना पड़ेगा। अब आप ऐसे करिए और रिमेम्बर मी को हटा दीजिए, आप हाँ पासवर्ड डालिए, रिमेम्बर मी हटा दीजिए, जो मेल में आया मुझे पासवर्ड जो उन्होंने दिया वो डालो। ओके वही पासवर्ड डालिए और डाल के लॉग इन कीजिए। बहुत बड़ा दिया है उन्होंने तो। जिसका भी फॉरगॉट पासवर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक बार ऐसे, और जब भी मेल आती है ना तो कोशिश करें स्पैम भी चेक करें, और आपका ट्रैश होता है, ईमेल इनबॉक्स होता है, सबको एक बार चेक कर ले, थोड़ा टाइम में इनबॉक्स में नहीं आता है, स्पैम मैसेजेस में चला जाता है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैंने ना ऐसे आया करके मैंने न्यू पासवर्ड डाला और वो हो गया सक्सेसफुली करके आया, लेकिन मैंने वो जब भी आपका क्वेश्चन आंसर का लिंक डाला ना, तो कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन, माता जी बहुत शायद वो क्योंकि समझ आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा ना माता जी। रहे। हाँ हाँ
जब तक आप फिर से लॉगिन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा वापस। जी आपका सक्सेसफुल आया ना, उसके बाद वापस हाँ अकाउंट में आइए, क्लिक करिए लिंक को, तो उसमें लॉगिन करिए फिर से। अच्छा ठीक सभी डिवोटीज करके देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करें।